चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, सुरजीत दास से, जिनकी ऑलरेडी रैंक 39 है, जो कोलकाता के पास वेस्ट बंगाल से हैं। तो सुरजीत, सबसे पहले ऑल इंडिया रैंक 39 के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर मैं इस रैंक का पूरी क्रेडिट आपको और शिवम सर को देना चाहता हूँ। आपकी आप थ्रूआउट ईयर जो हमारे लिए जो किया है आप, वो उसी की वजह से ये रैंक पॉसिबल है। थैंक यू सर। थैंक यू सुरजीत। तो सुरजीत, आपने क्योंकि ड्रॉप लिया था और जब जी आपने फाइनल ईयर के साथ नहीं हुआ था या जो भी आपका था, उसके बाद आपने ड्रॉप लिया, तो जब हम ड्रॉप लेते तो कई बार डिसीजन के लिए बहुत ज्यादा चैलेंज और विल पावर इंप्रूव करनी पड़ती है। तो आपकी जो इंटायर सक्सेस जर्नी है वो मैं चाहूंगा आप बताओ। जी सर सर मेरे को एमसीए के बारे में, नीमसेट के बारे में सेकेंड ईयर के अंत तक पता चल गया था। तो मैंने मतलब थोड़ी बहुत प्रिपरेशन शुरू कर दिया था तब से, लेकिन जब फाइनल सेमेस्टर आया, सिक्स सेमेस्टर, तो उसमें मतलब कॉलेज का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। तो उस समय में फाइनल ईयर के साथ मैं नीमसेट नहीं निकल पाया। तो 2023 को मैंने निमसेट दिया था, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 2500 की समथिंग, 2500 पे समथिंग था। तो मैंने घर में बोला कि मेरे को एमसीए ही करना है, तो घर में बोले कि ड्रॉप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे को मैंने जब मैं फाइनल ईयर के साथ प्रिपेयर कर रहा था, तब तब भी मैं आपको ही फॉलो करता था। तो मैंने फाइनल ईयर के बाद आपका इम्पिटस ही ज्वाइन किया था, और साल भर आपने जो बोला, शिवम सर ने जो बोला, वो मैं पूरी तरह से फॉलो करता गया। और सर मैंने F24 में रैंक 39 आई है। वेरी गुड बेटा। तो अब ये बताओ, जब आपने ड्रॉप लिया और ड्रॉप के बाद आपने पढ़ाई की, तो एक ड्रॉपर बच्चे का हमेशा एक होता है कि बहुत प्रेशर है, बहुत टेंशन होती है, बहुत स्ट्रेस है। खैर, तुमने साल भर टेस्ट सीरीज में, रेगुलर पढ़ाई में बहुत अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन रखा, फिर भी कभी प्रेशर या स्ट्रेस फील किया आपने? और किया तो उसको कैसे हैंडल किया? जी सर, प्रेशर मतलब मैंने जब ड्रॉप लिया था, तब मैंने कुछ प्रेशर मैंने नहीं सोचा था कि क्या रैंक बनेगी, कितनी बनेगी, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने पिछले साल जो पेपर दिया था, तो उसमें मेरी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं थी। तो अगर मैं अच्छे से प्रिपरेशन करता हूँ तो रैंक आनी चाहिए। तो वैसा कुछ प्रेशर बना नहीं, लेकिन जब एग्ज़ाम नज़दीक आया तो तब थोड़ा बहुत डर लग रहा था। लेकिन आप जब एग्जाम नजदीक आया तो आप रेगुलर सेशन लेते थे, उसमें उससे बहुत फायदा हुआ सर। जो जो भी थोड़ा बहुत टेंशन होता था, वो भी सर आपकी बात सुन के दूर हो जाता था। तो वैसा कुछ दिक्कत नहीं हुआ सर साल भर में। तो ये बहुत अच्छी बात बोली। अच्छा सुरजीत, आपने क्योंकि पूरे टेस्ट पेपर बहुत रेगुलर दिए, मुझे हमेशा स्कोर भेजा और जी सर, क्लासेस भी पूरी रेगुलर अटेंड करी थी, तो टेस्ट पेपर के एनालिसिस को किस तरह से करते थे? जी सर, सर आपने जैसे बोला था टेस्ट पेपर के एनालिसिस करने को, तो मैं फ्रंट पेज पे लिख लेता था कि किस टॉपिक के कितने क्वेश्चन पहले आए थे, और कौन से रॉन्ग हुए और सही भी हुए, तो किस में टाइम ज़्यादा लग गया। तो मैं जब एनालिसिस करता था, तो सबसे पहले वो गलत जो रॉन्ग हुए उसको करता था, फिर जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगा उसको देखता था, और फिर लास्ट में जो सही हुआ है उसको भी एक बार मैं रिपीट कर लेता था। तो इस तरीके से मैं हर एक पेपर का मैथ्स, एलआर और कंप्यूटर सेक्शन एनालिसिस करता था। और इंग्लिश में उतना कुछ नहीं था, वो मुझे मतलब वो मेरा वीक था, उसके बारे में मैं नहीं सोचता था। मेरा मेन फोकस मैथ्स, एलआर और कंप्यूटर में ही था। ओके तो सुजीत, एक बार बताओ, आपने इतनी अच्छी रैंक अचीव की, तो आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? स्पेशली जो बच्चे ड्रॉप लेते हैं, उनको बहुत टेंशन होता है, बहुत स्ट्रेस होता है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? जी सर, पहले तो जूनियर्स को मेरा ये मैसेज रहे कि आप अगर ड्रॉप ले रहे हो तो वो एक इन्वेस्टमेंट ईयर है, तो आप ज़्यादा मत सोचो, तो और टेंशन मत लो। सर जो बोलते हैं, अगर उसको आप पूरी तरीके से फॉलो करोगे, तो आपका मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपका नहीं बने, मतलब गारंटी है कि आपका हो ही जाएगा। और जो मटेरियल देते हैं सर, उसको बार बार सॉल्व करो। जो टेस्ट पेपर आता है तो उसकी अच्छी तरह से एनालिसिस करो, और
अगर टेस्ट पेपर की एनालिसिस मतलब बार बार करो, एक बार हो जाने के बाद उसको रिवाइज भी करो। मतलब आज अगर मान लो एक पेपर का एनालिसिस किया तो उसको 15 दिन 20 दिन बार उसको एक और बार सॉल्व करो। इससे मतलब एक क्वेश्चन को बार बार करने से आपका मैथ में स्पीड आएगा, और सर जैसा बोलते हैं उसी को फॉलो करो, आराम से हो जाएगा आपका। बिल्कुल सही बात बोली सुरजीत। तो अब आप ये बताओ, आपकी क्योंकि इतनी अच्छी रैंक है, तो अब आप त्रिची जा सकते हो, सूरत का जा सकते हो, इलाहाबाद, जो भी आप जाना चाहो जाना जा सकते हो। तो आप कहाँ जाना चाहोगे? सर मेरा पहले से ही टारगेट त्रिची और सूरतकल में से ही था। अभी मतलब 39 रैंक है तो त्रिची ही जाऊंगा सर, वही सोच के रखा बिल्कुल है। बढ़िया, आप त्रिची जाओ और वहां पर भी ऐसे ही परफॉर्म करो, ऐसे ही फोड़ के रख दो वहां पर भी, और ऐसे ही आगे बढ़ना है अपने को। मम्मी पापा हाँ, बुला लो बुला उनको। सकता हूँ? हाँ, मैं चाहूंगा वो आए। जी नमस्कार सर, सबसे पहले सुरजीत की ऑल इंडिया रैंक 39 के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जी नमस्ते सर। नमस्कार, नमस्कार, बहुत बहुत बधाई। अच्छा ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे आप आपके सुरजीत के लिए, क्योंकि सुरजीत ने बहुत ही ऑड कंडीशन में पढ़ाई की है और काफी मेहनत करी है उसने साल भर बच्चे ने, तो आप अपने बच्चे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी आपी के वजह से हुआ है सर। जी, थैंक यू। बच्चे की अपनी मेहनत होती है एक। जी सर, आपी की वजह से सब कुछ हुआ है। अब आपको भोपाल आना है अवार्ड सेरेमनी में, आप दोनों को सुरजीत के साथ। सर हम ट्रेन में जाएंगे तो ट्रेन कैंसिल है। हम सफर अच्छा एक्सप्रेस अभी गया था, जी, कंप्यूटर सेंटर में वो ट्रेन के टिकट के लिए बुकिंग करने के लिए, तो अच्छा उधर जाने के लिए ट्रेन हमने कलकत्ता से हावड़ा से भुवनेश्वर जाना पड़ेगा, और ओके भुवनेश्वर के भुवनेश्वर भुवनेश्वर 1:30 पर ट्रेन भोपाल जाएगा, चलिए, उस बारे में हम अभी बात तो करेंगे। वहां आप पर कोशिश रात करिएगा सुरजीत का, कोशिश करना कि जो भी लिंक हाँ मिलता है उसके साथ कोशिश करना आने की भोपाल। कोशिश पूरी करूंगा। जी, चलिए बहुत बहुत बधाई आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं सुरजीत, ऐसे ही आगे तरक्की करते रहो और बहुत खुश रहो। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।